अक्षय कुमार की एक और नई मूवी आती है जिसका नाम होता है कठपुतली, जिसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाता है। अब भाई इसके मेकर्स ने सोचा सीधा ही हम इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर देते हैं, अगर इसको थिएटर्स में रिलीज करते, अगर ये पिट जाती तो इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले खरीदते नहीं। तो बड़ी ही चालाकी से उन्होंने सोचा क्यों ना इस मूवी को सीधा ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज कर देते हैं। खैर मूवी की स्टोरी के ऊपर फोकस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें स्टोरी देखने को मिलती है, हिमाचल के अंदर कसौली में एक सीरियल किलर जो स्कूल में जाने वाली जो बच्चियां होती हैं उनको टारगेट करता है, उनको मारना शुरू करता है। अब इसको पकड़ने का काम जो है वो अक्षय कुमार को दिया जाता है। रीजन बड़ा साफ सा, क्योंकि अक्षय कुमार ने सीरियल किलर के ऊपर एक पीएचडी कर रखी होती है, सच में सीरियसली कर रखी होती है। जब आप मूवी देखोगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो यार, ये कहूं कि सीरियल किलर लास्ट में पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है, ये तो मुझे लगता है कि यार एकदम बकवास सी बात हो जाएगी, क्योंकि ये आप आसानी से पता चल जाएगा आप लोगों को। मेन जो चीज होती है कि सीरियल किलर ने ये सब चीजें क्यों की, सीरियल किलर कौन है, उसके पीछे रीजन क्या है उसको सीरियल किलर बनने का, ये जो चीजें होती हैं वो मूवी को इंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग बनाती हैं। ये सब चीजें होती हैं वो ऑडियंस को एक तरीके से अपने साथ बांध रख पाती हैं। इन्हीं के बिहाफ पे हम बात करेंगे कि मूवी कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है या कितनी ज्यादा बोरिंग है। फिलहाल जो आईएमडीबी के ऊपर मैंने इसकी रेटिंग को सर्च किया, वहां पर लोगों के रिव्यू जो मैंने चेक किए, तो काफी लोगों ने इस मूवी को बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट दे रखे हैं, बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट कर रखे हैं, रिव्यू दे रखे हैं। रीजन यह है क्योंकि ये जो मूवी है वो एक तमिल जो मूवी है रथ शासन, अगर मैं सही से नाम प्रोनाउंशिएट कर पा रहा हूं, उस मूवी की एक रीमेक है। देखो रीमेक बनाना मुझे नहीं लगता कि गलती है या फिर कोई नहीं बनानी चाहिए, बनाओ। अगर आप अच्छा रीमेक कर सकते हो, लोगों के सामने बढ़िया कंटेंट ला सकते हो, बेशक बनाओ। लेकिन अगर आपने ओरिजिनल मूवी का ही गुड़ गोबर कर दिया तो देखो यार रीमेक का फायदा क्या, लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो तो फूटना ही है फिर उसके बाद। खैर मैंने ये मूवी पहले नहीं देखी हुई थी, यानी ओरिजिनल मूवी मैंने नहीं देखी थी, तो मेरे लिए एक तरीके से फ्रेश कंटेंट ही होने वाला था। उसके बिहाफ पे अगर हम बात करूं तो मूवी स्टार्टिंग में मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है मूवी का इंटरेस्ट कम होते चलता है, और सेकंड हाफ के बाद सच कहूं ये मूवी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है। इसकी परफॉर्मेंस, खासकर भाई जैसे अक्षय कुमार की जो परफॉर्मेंस थी वो कहीं से भी मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि एक जो इमोशनल सीन आता है इस मूवी के अंदर उसमें मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगे कि अरे रुला देगा, लेकिन वहां पर वो जो मिस कर दिया है इन्होंने, इमोशनल एंगल मतलब जो एक इमोशनल ड्रामा इन्होंने डालने की कोशिश की वो बहुत ज्यादा वीक मुझे लगा। और फिर उसके बाद जो सीरियल किलर का जो सस्पेंस है, उसने ये सब चीजें क्यों की, उसके पीछे रीजन क्या है, कौन है, ये सब चीजें हमारे सामने रिवील की जाती हैं, तो सच में मुझे 1% भी सरप्राइज या हैरान कुछ भी फील नहीं हुआ यार। ये सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट हमारे सामने आता है। तो क्या सारे ही चीजें इसके अंदर नेगेटिव, ऐसा नहीं है, कुछ चीजें इसके अंदर पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव ये कि भाई अगर आप लोगों ने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो आपको थोड़ा बहुत नया कंटेंट देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में मूवी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत कॉमेडी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। हाँ ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना, मैंने तो बिल्कुल भी उम्मीद इसे नहीं लगाई थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 4 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, वैसे भी उसमें कोई कमेंट करता है नहीं, तो कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो आप अपने रिस्क पे मूवी देख सकते हैं, मैंने तो इसको 4 ही दी है रेटिंग। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।